हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण दिवस के बारे में पढ़ेंगे। तो पर्यावरण दिवस जो है, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल जो है 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, जो हमने कल अभी मनाया पर्यावरण दिवस 5 जून को। ये पर्यावरण से संबंधित सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, और पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया था वो 1973 में 5 जून को मनाया गया था। पर्यावरण दिवस मनाने का जो विचार आया था, पहली बार मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में पेश किया गया था, जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के रूप में जाना जाता है। 1972 में हुआ था ये, और उसी के अगले साल 1973 में पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था। पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना है। हर साल इसकी एक विशिष्ट थीम होती है, स्लोगन होता है। जो हर साल जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो उसकी एक कोई ना कोई एक थीम होती है, जो उस समय करेंट की स्थिति को, पर्यावरणीय चिंता को प्रदर्शित करती है। उस समय वर्तमान में जो पर्यावरण से संबंधित कोई चिंता होती है, उसी से संबंधित उसकी थीम बनाई जाती है। हर साल एक विशिष्ट थीम होती है पर्यावरण दिवस मनाने की। तो वर्ष 2023 जो है, इसमें पर्यावरण दिवस की थीम जो है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन यानी प्लास्टिक जो प्रदूषण है उसको रोकें। कैसे रोकना है? एक सर्वे के अनुसार प्रतिवर्ष 400 मिलियन टन से ज़्यादा प्लास्टिक का उत्पादन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आधे से ज़्यादा रिसाइकल योग्य हो, आधा ही रिसाइकल योग्य होता है। यानी जितना प्लास्टिक उत्पादन होता है उसमें केवल 200 मिलियन टन जो है वो उसके लिए हम दोबारा यूज कर सकते हैं, बाकी 200 मिलियन टन वो दोबारा यूज योग उपयोग योग्य नहीं होता। और उस आधे में भी सी 10%, आधे जो है, आधे में जो रिसाइकिल योग्य है में से 10% को ही रिसाइकिल किया जा सकता है, किया जाता है। 10% ये जो रिसाइकिल होता है, बाकी 90% वो भी हमारे ज़मीन में ही चला जाता है। हर साल अलग अलग देश द्वारा इस दिवस की मेज़बानी की जाती है, और वर्ष 2023 में जो मेज़बानी की जा रही है, कोटे डी आइवर जो देश है उसके द्वारा की जा रही है, और नीदरलैंड उसको साझेदारी, उसके सहयोग देश के रूप में भूमिका निभा रहा सहयोग देश की। 2022 में इस दिवस की मेज़बानी स्वीडन ने की थी, और इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ, यानी केवल एक पृथ्वी। ये 2022 की थीम थी और इसकी मेज़बानी स्वीडन ने की थी। ये दिवस समुद्री प्रदूषण, अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग, सस्टेनेबल यूजेज, वन्य जीव अपराध, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता हेतु मनाया जाता है। कोटे डी आइवर ने क्या किया था, पुनः प्रयोज्य पैकेजिंग का समर्थन करते हुए 2014 में प्लास्टिक की थैलियों को पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। इसी के सम्मान में से इस बार पर्यावरण दिवस की मेज़बानी का सम्मान मिला है, जिम्मेदारी मिली है। UNDP के अनुसार यदि दुनिया में 8 अरब लोगों में से, दुनिया में 8 अरब लोगों में से एक व्यक्ति दैनिक जीवन में पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार अपनाता है, तो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 20% की कमी की जा सकती है, केवल एक व्यक्ति से। भारत में प्रति व्यक्ति जो है औसत कार्बन फुटप्रिंट, वैश्विक औसत कार्बन फुटप्रिंट के 4.5 टन प्रतिवर्ष के मुकाबले 1.8 टन प्रतिवर्ष है। यानी पूरे विश्व का जो औसत कार्बन उत्सर्जन, जो कार्बन फुटप्रिंट्स वैश्विक औसत है प्रति व्यक्ति, वो 4.5 टन है प्रतिवर्ष। उसके मुकाबले लगभग 1/3 मान सकते हैं, 1/3 से थोड़ा ज़्यादा है, तो 1/3 लगभग 30-40% है उसका, जो वैश्विक औसत है उसका 30-40% ही हमारे, यानी हमारे यहाँ कार्बन उत्सर्जन भारत में बहुत कम है। भारत के गांव और शहरी निकायों को 2028 तक 80% जो है पर्यावरण अनुकूल बनाने का लक्ष्य है। अब आते हैं मिशन लाइफ। मिशन लाइफ क्या है? मिशन लाइफ संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और टिकाऊ जीवन को बढ़ावा देने के लिए भारत की एक वैश्विक पहल है। मिशन लाइफ
लाइफ का इसमें जो अभिप्राय है वो पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण के लिए लाइफ स्टाइल से मतलब है इसका अर्थ, इसका अभिप्राय। इस अवधारणा को जो मिशन लाइफ है, इस अवधारणा को प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लासगो में वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC COP26 में विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन में इसको प्रस्तुत किया था। इस अवधारणा को कौन सी, मिशन लाइफ अवधारणा को हमारे प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत किया था। तो ये भारत की पहल है और इसी पहल के तहत इस बार 5 जून को सभी संस्थाओं में, सभी शिक्षण संस्थाओं में, सरकारी संस्थाओं में एक मिशन लाइफ के तहत एक शपथ आयोजित, शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया और सभी के लिए एक मिशन लाइफ की शपथ दिलाई गई। ये अवधारणा सतत जीवन शैली और प्रथाओं को अपनाने पर बल देती है। लाइफ का उद्देश्य जो है जलवायु से जुड़े मानदंडों को प्रभावित करने वाले सामाजिक नेटवर्क के सामर्थ्य का लाभ उठाना है। अगला है मिशन की जो योजना है, जो मिशन लाइफ है इसकी योजना जो है वो प्रो प्लेनेट पीपल, प्रो प्लेनेट पीपल यानी P3 नामक व्यक्तियों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाने की है योजना और उसे पोषित करने की है, जिनकी क्या होगा, जिनकी पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए साझा प्रतिबद्धता होगी। वो लोग क्या करेंगे, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपनाने और उसको बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता होगी और उसके लिए वो प्रयास करेंगे।